बिस्मिल्लाहिर्रहमान। एग्ज़ाम मैनेजमेंट जो है पेज, ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब जो है वो स्टूडेंट जो है वो एग्ज़ाम दे देगा, तो उसके बाद जो है वो एग्ज़ाम पैनल में जो है एग्ज़ाम मैनेजमेंट पेज पे स्टूडेंट्स आ जाएंगे, उनके क्वेश्चंस आ जाएंगे और वो उनको मार्क करेंगे। इसमें जो है क्वेश्चंस हमारे दो तरह के हैं, मैंने आपको पहले बताया था, एक है एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस और दूसरे हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। तो ये जो है, ये पोर्शन जो है वो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के लिए है, यानी कि जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हमारे पास हमने ऐड किए हैं अपनी एप्लीकेशन में, जो 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के या 5 मार्क्स के, तो ये उनके अगेंस्ट जो है वो मार्किंग करनी है सुपरवाइजर साहब ने या टीचर्स ने। ठीक है, तो ये जाते हैं यहाँ पर। सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक सेशन क्रिएट किया हुआ है, ठीक है, ताकि मुझे पता चले कौन से टीचर जो है वो यहाँ पे होंगे, लॉगिन हुए हैं। ठीक है, उसके बाद जो है मैंने क्या किया, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूजर्स वेयर ईमेल इज, ये जो टीचर्स हैं, टीचर हैं उनका सारा डाटा मैं यहाँ पे ले रहा हूँ इस क्यूरी के थ्रू, और क्यूरी के थ्रू लेके उसको मैं नेम में डाल रहा हूँ, और फिर मैं नेक्स्ट जो है वो इस नेम के अगेंस्ट जो है ना, इस इन टीचर के जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे और जो स्टूडेंट्स होंगे उस सब्जेक्ट में, वो मैं बारी बारी फेच करूँगा। ठीक है, अभी हम मैंने सिर्फ इन सर का नाम लिया, ये टीचर का नेम है। ठीक है, देन हम आगे जाते हैं। ये आगे बटन लगा हुआ है डन का, तो इसलिए मैं इस पर नहीं डिस्कस करूंगा, पहले मैं आऊंगा अपने फॉर्म के ऊपर। जी ये देखें, ये हमारा फॉर्म है पोस्ट का मेथड, इसके अंदर ये हेडिंग दी हुई है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे। अब ये जो सब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे, इसमें वो क्यूरी लगी हुई है, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टीचर सब्जेक्ट वेयर टीचर आई डी इज दिस, जो अभी हमने टीचर का नाम लिया था, उस टीचर के अगेंस्ट जो है उसके सब्जेक्ट्स जो हैं वो सारे शो हो जाएंगे, और उन सब्जेक्ट्स के, यानी कि वो जो टीचर सब्जेक्ट पढ़ाते हैं उनका जो है वो रिकॉर्ड शो होगा, उनके सब्जेक्ट्स शो होंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले जो है टीचर, हो सकता है वो एक सब्जेक्ट पढ़ाते हों या एक से ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ाते हों, और उस सब्जेक्ट की मार्किंग करना चाहते हो उसके एग्जाम की, तो जो वो सब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे उसके बाद नेक्स्ट पे प्रेस करेंगे, तो ये नेक्स्ट का बटन है, देन नेक्स्ट, इस पर हम नेविगेट हो जाएंगे। तो मज़ीद आगे जाने से पहले हम इस बटन को देख लेते हैं, ये बटन क्या काम करेगा। जी ये देखें, जब इस बटन पर क्लिक किया जाएगा तो सब्जेक्ट का नाम जो है वो इधर आ जाएगा, फिर जो है वो हम देख, बस यहाँ से हम उस सब्जेक्ट का नाम ले रहे हैं। ठीक है, इस बटन के अगेंस्ट जो है वो जो ऑप्शंस होंगी उसमें से हमारा जो है सब्जेक्ट नेम जो है वो यहाँ पर आ जाएगा इस वेरिएबल के अंदर। ठीक है, देन ये जो है ये नेक्स्ट बटन है, इसके ऊपर हम बाद में बात करते हैं। ये पहला बटन है नेक्स्ट का, जो सब्जेक्ट बताएगा कि कौन सा सब्जेक्ट है टीचर का। ठीक है, उसके बाद डिफरेंट उस सब्जेक्ट के अगेंस्ट डिफरेंट हमारे स्टूडेंट्स आ जाएंगे, वो स्टूडेंट्स हमने लेने हैं तो वो सब्जेक्ट के अगेंस्ट आएंगे। तो सब्जेक्ट नेम हमने देखा खाली तो नहीं है, अगर हमारा सब्जेक्ट नेम खाली नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, ये क्यूरी लगाएंगे, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट स्टूडेंट नेम वेयर फ्रॉम स्टूडेंट आंसर्स वेयर सब्जेक्ट इज दिस एंड स्टेटस इज अनडिफाइंड। ठीक है, ये अनडिफाइंड क्यों है, क्योंकि अभी एंड क्वेश्चन टाइप इज डिस्क्रिप्टिव। मैं आपको बताता हूँ, देखें जो स्टूडेंट टीचर ने जिन स्टूडेंट के क्वेश्चन को मार्क कर लिया होगा ना, उसका स्टेटस जो है वो मार्क हो जाएगा, और जिसका नहीं अभी पेपर चेक किया हो तो उसका भी अनडिफाइंड स्टेटस होगा। ठीक है, ये यहाँ पे ये बताई हुई है, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट नेम, यहाँ पे स्टूडेंट का नाम लिया जाएगा, उसके सब्जेक्ट लिया जाएगा। ठीक है, उसके सब्जेक्ट लेके तो उसको हम फिर बार बार उसका स्टूडेंट का नाम यहाँ पे शो करवाएंगे। अब क्या हुआ, पहले आपका टीचर का नाम आया, टीचर के नाम पे उसके सब्जेक्ट्स आए, उनके सब्जेक्ट्स के बाद हमने स्टूडेंट के नाम लिए। अब जब हम शो स्टूडेंट आंसर पे क्लिक करेंगे तो उस स्टूडेंट ने जो सर के एग्जाम में जो दिए होंगे आंसर्स वो शो होंगे, ये इस डन शो स्टूडेंट के बटन के अगेंस्ट।
ये देखें यहाँ पर अब आपका सब्जेक्ट नेम भी आ गया, स्टूडेंट का नाम भी आ गया, ठीक है। और फिर हम उसके जो आंसर्स हैं वो सारे हमारे आ जाएंगे, जितने उस ये क्यूरी से पढ़ लें। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट आंसर वेयर सब्जेक्ट इज दिस एंड स्टेटस इज अनडिफाइंड एंड क्वेश्चन टाइप डिस्क्रिप्टिव एंड स्टूडेंट आंसर इज स्टूडेंट नेम इज दिस, ठीक है। और लिमिट जो है वो हमने पहले बता दी है, लिमिट एक, यानी कि मैं सिर्फ एक स्टूडेंट की का ही डाटा दिखाना चाहता हूँ। क्वेश्चन टाइप दो तरह की है, तो डिस्क्रिप्टिव से मुराद ये है कि सिर्फ डिस्क्रिप्टिव ही हम देख सकते हैं, क्योंकि जो एमसीक्यू टाइप है वो तो पहले से ही ऑटोमेटिकली मार्क हो जाएंगे। देन डाटा जो है वो इस रो के अंदर आएगा, टेबल डेटाबेस से डाटा जो है वो इस रो के अंदर आएगा, रो को देखेंगे, खाली तो नहीं है। फिर उसके क्वेश्चन आंसर जो यूजर ने दिया होगा वो देखेंगे और उनको हम क्वेश्चन और आंसर में सेव कर देंगे। अगर क्वेश्चन या आंसर एम्प्टी हुआ तो हम उसे खाली छोड़ देंगे, ठीक है, उसके कोई मार्क्स नहीं होंगे, ठीक है। ये स्टूडेंट का हमने वो नेक्स्ट स्टूडेंट का सब्जेक्ट आ गया, आंसर भी उसके आगे। अब ये जो स्टूडेंट ने आंसर दिए होंगे वो यहाँ पर शो होंगे, पहले क्वेश्चन शो होगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन खाली होगा तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन अगर क्वेश्चन खाली नहीं हुआ तो यहाँ पर हम क्या करें, यहाँ पर हम क्वेश्चन को शो करवा रहे हैं, इको करवा रहे हैं, क्वेश्चन को शो करवा रहे हैं, और स्टूडेंट ने जो आंसर दिया है वो हमने यहाँ पर शो करवाया, ठीक है। आंसर को भी देख रहे हैं, आंसर उसका खाली तो नहीं, अगर खाली नहीं है तो जो आंसर दिया है स्टूडेंट आंसर, ठीक है, ये स्टूडेंट आंसर है यहाँ पर। और यहाँ पे हम क्या करें, यहाँ पर हम क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है वो यहाँ पर काम करेंगे। देन जो है अब लास्ट पोर्शन आ गया, टीचर ने जो है वो स्टूडेंट का क्वेश्चन भी देख लिया और उस क्वेश्चन के अगेंस्ट जो है उसने जो काम की आंसर दिया वो भी देख लिया। अब टीचर ने मार्किंग करनी है, ठीक है। मार्किंग के लिए जो हमारे पास इनपुट टाइप नंबर मैंने रखी है और उसके मार्क्स जो है वो मिनिमम 0 to 5 है, ठीक है। इस 0 to 5 के दरम्यान में कोई भी इंटीजर वैल्यू वो दे सकते हैं, नंबर वैल्यू, ठीक है। उसके बाद वो सेव के बटन पर क्लिक करेंगे। ये जो है ये अब उस एक स्टूडेंट का जो मार्क होगा किसी एक क्वेश्चन के अगेंस्ट जो है वो हमें वो उसका आंसर जो है वो सेव हो जाएगा डाटाबेस के अंदर, ठीक है। यानी कि स्टूडेंट ने क्या आंसर दिया था वो भी हमने सेव कर लिया, उसके मार्क्स हैं वो भी हमने सेव कर लिए, ठीक है। तो ये आखिरी है बटन सेव का, इसके ऊपर कट जाते हैं। ये देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट नेम आ गया, स्टूडेंट का नाम आ गया, क्वेश्चन नंबर आ गया कौन सा क्वेश्चन था, और स्टेटस उसका कर दिया डन, यानी कि अब वो उसने पेपर दे दिया। और मार्क्स कर देंगे, ये मार्क्स जो हैं वो जो सुपरवाइजर साहब ने लगाए हैं या टीचर ने लगाए हैं वो भी यहाँ पे सेव हो गए। उसके बाद हमने उसको एक दफ़ा इको करवा के चेक कर लिया, और फिर जो है हमने यहाँ पे अपडेट की क्यूरी लगाई। यहाँ पे ये भी याद रखें, यहाँ पे हमने अपडेट की क्यूरी लगाई हुई है, आपको पता होना चाहिए अपडेट की क्यूरी कहाँ पे लगाई है, ठीक है। तो अपडेट स्टूडेंट आंसर गेट मार्क्स, ये स्टेटस उसका ये हमने कर दिया जो डन है, इसको आप मार्क भी कर सकते हैं या स्टेटस डन भी कर सकते हैं, जो आपकी मर्जी। स्टूडेंट का नाम आ गया, क्वेश्चन आ गया और सब्जेक्ट आ गया, यानी कि फलां सब्जेक्ट में ये वो वाला क्वेश्चन जो था उस पर स्टूडेंट ने क्या वो आंसर दिया था उसके अगेंस्ट हमने उसके नंबरिंग को अपडेट कर दिया, उसका स्टेटस भी लगा दिया, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये हमारा ये वाला पेज काम कर रहा है। इस पेज में 3 बटन मैंने लगाए हुए हैं, दोबारा देख लें। पहला नेक्स्ट जो है वो पहला सब्जेक्ट लाने के लिए है, फिर उस सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स के लिए है, और फिर उस स्टूडेंट ने जो क्वेश्चन दिए होंगे उस सब्जेक्ट के उसके लिए, ठीक है। तो इसको इस वीडियो को बार बार देखें और प्रिपेयर करें, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी, ठीक है। तो मज़ीद मेरी वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं कि मैं कैसे अपनी टीचिंग और प्रोग्रामिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकता हूँ। शुक्रिया आपका।